हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने मिनी सचिवालय हरोली में 82 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से लगभग 18 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस अवसर पर अपने संबोधन में राम कुमार ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में अब तक मुख्यमंत्री राहत कोष से गरीब व जरूरतमंद लोगों को 8.50 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गरीब व जरूरतमंदों के हितेशी है और उनके कल्याण के लिए अपने कल्याण के 4.5 वर्षों के दौरान अनेकों नवीन योजनाएं लागू की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ अधिक से अधिक लोगों को प्रदान करने के उद्देश्य से बिना आय सीमा के पेंशन की आयु सीमा को सर्वप्रथम घटाकर 70 वर्ष किया और तत्पश्चात पुनः घटाकर 60 वर्ष किया गया। उन्होंने बताया कि आज मुख्यमंत्री राहत कोष से हरोली विधानसभा क्षेत्र के लगभग 80 लोगों को राहत राशि दी गई है। आज कुल राशि लगभग 18 लाख के आसपास वितरित की गई है। ऐसे अनेकों कार्यक्रम आज तक हमने हरोली में जिनके अंतर्गत ऐसे राहत राशि के चेक बांटे गए किए गए हैं, और अगर सारी राशि मिलाएंगे तो अब तक हरोली विधानसभा क्षेत्र में हरोली के लोगों को कोई बीमारी से पीड़ित होने पर या किसी और अन्य दुर्घटना में पीड़ित होने पर लगभग 8.5 करोड़ ऐसे मुख्यमंत्री राहत कोष से या मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राहत राशि दी गई है। और जब भी मैंने हरोली विधानसभा क्षेत्र का कोई भी ऐसा राहत राशि का केस माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा, उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ उसी समय उसकी स्वीकृति दी। और यही कारण है कि आज हरोली में बड़ी संख्या में लोगों को, चाहे वो मुख्यमंत्री राहत कोष से उससे लाभ मिल रहा है या मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से उससे लाभ मिल रहा है। इसके अलावा पूरे विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई आयुष्मान योजना और प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हिम केयर व सहारा योजना का लाभ भी ऐसे हरोली के लोगों को मिल रहा है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। आपका फैसला के लिए ऊना से जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा की रिपोर्ट।